नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने और सब्सक्राइबर ने ये सवाल किए हैं कि जो सीएडी के कोर्स जो हैं उसमें एनआईएस द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप कैसे तैयारी करें, आपके लिए कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो जो हमारे व्यूअर्स इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने में खुशी होती है और उसे हमको तैयारी करने में बहुत मज़ा आता है। और आपको ये सवाल आप परीक्षा में सही सही से उत्तर लिखें और एक बहुत अच्छे जानकार चिकित्सक बने और गांव के लोगों को सेवा करें और अपनी भी सेवा करें और होम्योपैथी के प्रति फेथ लोगों में बढ़ाएं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं कि एक समय पर एक ही दवाई क्यों देनी चाहिए, इसके दो कारण बताइए। सिद्धांत के अनुसार होम्योपैथिक में एक समय पर एक ही दवा क्यों देनी चाहिए, इसका दो कारण बताइए। यूँ तो हम बहुत सारे चिकित्सक को एक या उससे अधिक दवा देते हम देखते हैं या हम खुद भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगल मेडिसिन का सिद्धांत क्यों देता है। सिद्धांत अपनी जगह है, ट्रीटमेंट अपनी जगह है और प्रिंसिपल मुख्य मूल्य जो प्रिंसिपल होता है, मूल्य जो आपका सिद्धांत होता है, उसी के आर में रहकर हम किसी भी रोगी को ठीक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा दवा देकर हम बीमारी को कंट्रोल कर लें वो अलग बात है, लेकिन बीमारी को क्योर करने के लिए हमें सिंगल मेडिसिन का ही अंततः प्रयोग करनी पड़ती है। बहुत सारे दवाओं को देकर हम बीमारी को कंट्रोल करते हैं और करनी भी चाहिए, हो सकता है कि सिंगल मेडिसिन उस समय काम आपको न आए। तो आप इसके लिए आपका उत्तर आपका होगा, ये हम सबसे पहले होम्योपैथी के जो सबसे जो नए सीएडी का कोर्स कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको लिए हम दिखा दें। इस तरह का बुक होता है आपको और एनआईएस का यहाँ पर लोगो लगा रहता है, आप देख सकते हैं। अंतिम पृष्ठ पर आपको www.nios.org आप इस पर देख सकते हैं, इसका वेबसाइट नंबर दिया रहता है। आप जाकर www.nios.org आप पर सर्च करेंगे तो आपको एनआईएस के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो हम आते हैं, आज का प्रश्न है कि एक समय में होम्योपैथिक दवा देने के दो फायदे आप बताएं। तो आपको इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसे हम इस चैप्टर से हम लिए हैं, इसे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, आप इसमें देख सकते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ये आपको प्रथम आपको भाग के चौथी अध्याय से आपको हम इसमें शुरू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको एक जगह पर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, सरलीकरण का नियम। सरल सरल जो आसान तरीका हो जिससे आप मंजिल को पा सकें। अगर आपको रास्ते बहुत कठिन वाला हो तो मंजिल मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको सरल कोई अगर रास्ता कोई बता देता है तो आपके लिए बेहद ही आसान होता है और बहुत ज़्यादा बिना एनर्जी लॉस किए आप वहाँ पर पहुँचते हैं। आपको बीमारी ठीक करने में अगर सरलीकरण का हम नियम नहीं अपनाएंगे तो हम कितने दवाओं को एक बार दे सकते हैं। दवा की संख्या 5000 होती है, आप तो 5000 दवा नहीं दे सकते हैं, 4000, 1000, 2000, 100, 50, 25 एक साथ तो दवा आप नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दवा आप 2, 3, 4, 5 एक साथ चला सकते हैं, इसे भी बेसी कोई चला सकता है क्या। तो उसमें भी आपको यदि एक दवा एक समय में देंगे तो उसको क्या क्या फ़ायदा आएगा,
और इस पर जो हमें प्रूविंग जो हुआ है, ड्रग का जो प्रूविंग हुआ है, वो एक समय में एक ही दवा को देकर मानव शरीर में प्रूव किया गया है। तो इसलिए एक दवा को आपको एक समय में एक ही दवा देंगे तो इसको क्या फायदे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा हो शायद, नहीं दिखाई दे रहा है तो पढ़ के सुनाते हैं। सरलीकरण का नियम, एक उपचार, लॉ ऑफ सिंगल सिंप्लेक्स, द सिंगल रेमेडी, यह हैनीमैन के व्यवहारिक उपचार के मूल सिद्धांत में से है, जिसमें रोगी को एक समय पर सिर्फ एक ही सरल औषधि का पदार्थ दिया जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे मटेरिया मेडिका में होम्योपैथिक दवाओं में एकांकी में प्रमाणित की गई है, एक समय पर सिर्फ एक औषधि ही रोगी के लक्षण से समरूप हो सकती है। अगर एक समय पर एक से अधिक औषधि का प्रयोग होता है तो यह निश्चित करना मुश्किल होता है कि कौन सा उपचारिक था, और वह भविष्य में निर्देशन का स्रोत बनने में अस्पष्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा दवा देने में अगर आपको बीमारी ठीक भी हो जाता है तो यह तय करना कठिन हो जाता है कि कौन सी दवा वो बीमारी को क्योर किया है, ठीक किया है। तो आपको ये कोई भी आपको होम्योपैथी का बुक अथवा अनुभव का, या दूसरे आपका कोई भी चिकित्सक जो आपके यहाँ अंडर में अनुभव ले रहे हैं, उन्हें यह मालूम नहीं चल पाएगा कि कौन सा दवा काम किया है और आपको किन सिम्टम के आधार पर, किस आधार पर उस दवा को आप दिए हुए हैं। तो अच्छे आपको जानकार बनने के लिए कम दवाओं का प्रयोग करना ही बेहतर होता है।